नगर परिषद के वार्ड संख्या 45 के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद श्री राज सिंह ने शुक्रवार को शहर के विदाम देवी बुरर धर्मशाला में आयोजित स्थायी महंगाई राहत शिविर में हंगामा खड़ा कर दिया। शुक्रवार सुबह शिविर में पहुंचे पार्षद रावत ने शिविर में आमजन का काम नहीं होने तथा मिली भक्ति से चहेतों के काम करने का आरोप लगाया। इस दौरान पार्षद रावत आयुक्त पर खुलकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पार्षद रावत ने गुरुवार को सीज संपत्ति का पट्टा जारी करने पर भी आक्रोश जताते हुए इसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत बताया। इस दौरान उन्होंने राहत शिविरों को सेटिंग शिविर बताते हुए आमजन को परेशान करने का आरोप लगाया। इस दौरान पार्षद रावत ने आयुक्त पर आरोपों की झड़ी लगा दी। पार्षद का हंगामा बढ़ता देख आयुक्त ने पुलिस को मौके पर बुलाया, लेकिन इस दौरान हंगामे के दौरान पार्षद रावत ने अपनी शर्ट के बटन खोलकर धरने पर बैठने की चेतावनी दी। इस दौरान कांग्रेसी पार्षद दलपतराज मेवाड़ा, पूर्व पार्षद ज्ञानदेव झंवर तथा एडवोकेट विनोद खाटवा पार्षद रावत को शिविर से बाहर ले गए। उधर पार्षद रावत के व्यवहार को देखते हुए शिविर में मौजूद कर्मचारियों में रोष उत्पन्न हो गया। इस दौरान अय्यर ने विभाग का अपमान बताते हुए कार्य बहिष्कार की धमकी दी तो पार्षद दलपत मेवाड़ा और अय्यर में कहासुनी हो गई। पार्षद दलपत राज मेवाड़ा का कहना था कार्य बहिष्कार से जनता को भारी परेशानी होगी। इसी हंगामे के बीच सभापति नरेश कनौजी आ गए। सभापति ने श्रीराज को समझाने की कोशिश की किंतु वह फिर भी शांत नहीं हुए तो पार्षद मंगल सिंह मोनू ने माइक लेकर कहा कि शिविर में सभी लोगों के काम आराम से हो रहे हैं, कर्मचारी पूरी निष्ठा से राजकीय दायित्व पूरा कर रहे हैं। यह मेरे वार्ड का क्षेत्राधिकार है। शिविर में जो भी आवेदक आए हैं पूरी तरह संतुष्ट है। इस दौरान शिविर में पुलिस पहुंची तो पार्षद श्रीराज सिंह वापस शिविर में आ गए और जोर जोर से बोलने लगे, यदि जनता के अधिकारों की बात करना गुनाह है तो मैं तो मेरे को गिरफ्तार कर लो, मैं जनता के लिए जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ। इस दौरान पुलिस ने भी समझाइश की, फिर भी श्रीराज सिंह बोलते रहे। आखिरकार पार्षद दलपतराज मेवाड़ा, पूर्व पार्षद ज्ञानदेव झंवर, एडवोकेट विनोद खाटवा ने समझा बुझाकर श्रीराज सिंह को घर भेजा। ज्ञातव्य है कि इस संदर्भ में आयुक्त गुरदीप सिंह ने बताया शिविर में सभी व्यवस्थाएं सुचारू संचालित हो रही है, आवेदकों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ त्वरित गति से कार्य हो रहे हैं। पार्षद रावत ने जो कागजात दिए उन्हें हाथों हाथ निस्तारित किए हैं। सभापति नरेश कनौजिया के अनुसार शिविर में अव्यवस्थाओं संबंधित आरोप बेबुनियाद है, राज्य के निर्देशों की पालना की जा रही है, यदि पार्षद किसी बात से असंतुष्ट है तो उनसे बात करेंगे। मैंने तो कोई नहीं बनाया आपको, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर। मैंने तो रिकॉर्डिंग है आपके लिए कैंप लगा रखा है। श्रीमान मुख्यमंत्री काम कर दिया था सबका काम कर दो भैया, आपका काम नहीं होगा कैंप में, ये आपके पैसे ले लिए, घर जाके होगा। गरीब लोग, गरीब तबके के लोग खड़े लाइन में, कोई गरीब नहीं। और पैसे वालों को कल पट्टा दे दिया हवे, पैसे वालों को पट्टा दिया हवे। अरे आप चिल्ला क्यों रहे हो, आप चिल्ला क्यों, शांति से बात करो। देखो मेरी बात, मैं फोन लड़ने के लिए तैयार हूँ, मेरा कपड़ा उतरवा दो, मेरा कपड़ा उतरवा दो, मैं तैयार हूँ, उतरवा दो, मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ। आप किस सेटिंग में बिठाना चाह रहे हो, आप नहीं है, ये सेटिंग कैंप है, ये जनता को परेशान करने का कैंप है, ये सेटिंग कैंप है। एसडीएम साहब के पास जा रहा हूँ, फिर कलेक्टर साहब के पास जाऊंगा।